एक परिवार के लिए काल बन गई गंगा। बहन को बचाने गई, खुद काल के गाल में समा गई। श्राद्ध कार्यक्रम बनी जानलेवा, मुश्किल में पड़ी जान। श्राद्ध कार्यक्रम एक परिवार के लिए आफत बनकर आई। एक ही परिवार के चार लोग गंगा नदी में डूब गए। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज का है, जहां अब्जुगंज गंगा घाट पर श्राद्ध कार्यक्रम के बाद एक परिवार के लोग गंगा स्नान करने गए थे। इसी बीच एक युवती डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन ने कोशिश की, लेकिन इस दौरान बचाने गई युवती डूब गई और डूब रही युवती की जान बच गई। इस दौरान बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के चार सदस्य नदी में समा गए। उधर ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीन लोगों के शव बाहर निकाल लिए हैं। एक साक्षी नामक छात्रा की खोजबीन जारी है। नहाते नहाते सब पिछुल गए। दीदी हमको बचाने के चक्कर में सब घिसने लगा। दीदी हमको घिस लिया, तब तक मौसी घिसी हमको हाथ सब अंदर। पहले तुम ही डूब रही थी। हाँ। उसके बाद कौन बचाया तुमको? हम अंदर चल गए, हमको पता नहीं था। हाथ ऊपर करते करते दीदी घिसी, फिर उसके बाद दीदी अंदर चल गए, उसके बाद मौसी घिसी हमको। कौन दीदी, नाम क्या है? काजल कुमारी। वही बचाई तुमको, बाकी सब डूब गया। हाँ, वही बचाए, फिर वही फिर अंदर चल गई। हमारे बचाने में दीदी, मामी, मंजी मामी, सुप्रिया दी, साक्षी डूब गई। तो तुमको कौन बाहर निकाला? मौसी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अब्जुगंज के रहने वाले सुनील साह के पिता जनक साह का श्राद्ध कार्यक्रम देर रात खत्म होने के बाद शुक्रवार की सुबह परिवार के सदस्य गंगा स्नान के लिए आए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं मृतक की पहचान ललिता देवी, काजल कुमारी और सुप्रिया कुमारी के रूप में हुई है। वहीं एक की तलाश जारी है। वही घटना की सूचना पर सीओ शंभू शरण और सुल्तानगंज पुलिस मौके पर मौजूद है और लापता युवती की तलाश की जा रही है। अजीत कुमार, भागलपुर।